हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया करना व्लॉग। सो अभी मैं आया हुआ हूं महिंद्रा के आउटलेट पर, जहां पर स्कॉर्पियो एन आई हुई है। सो स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड हमको सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट मिले। नीचे मेरी सोशल मीडिया की आईडी, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे कमेंट मिले और यूट्यूब पर भी नीचे कमेंट मिले कि आप बाकी फीचर्स भी बताइए स्कॉर्पियो एन के बारे में। सो अभी जो हमारे यहाँ वेरियंट खड़ा है वो है स्कॉर्पियो एन का Z8L। सो सीट में क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके ऊपर आज का पूरा ब्लॉग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आप लोगों का ऐसा प्यार मिलता रहेगा और ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हमारे पास में गाड़ी Z8L स्कॉर्पियो एन के अंदर। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्राइवर सीट से। सो ड्राइवर सीट पहले तो सबसे पहले इसका जो फैब्रिक है बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग कंफर्टेबल। सो गाइज, जो भी इस गाड़ी पे बैठकर ट्राई कर चुके हैं उन लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को सीट कैसी लगी। और जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, फॉर मी मुझे ये सीट बहुत अच्छी लगी। सो पहली जो टॉप मॉडल है उसमें ये वाली जो सीट है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सो सबसे पहले ये थ्री वे एडजस्टेबल है, इसको आप आगे और पीछे कर सकते हो। सेम टाइम सीट को यहाँ से आप नीचे और ऊपर कर सकते हो। तो देख रहे हो आप, सीट धीरे धीरे ऊपर हो रही है। उसी तरीके से आप रिक्लाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहते हो। सेम टाइम ये वाला जो नॉब है इससे आप लंबार्ड सपोर्ट है, सो इसको आप लंबार्ड सपोर्ट जो है, मतलब ये वाला जो जगह है यहाँ पे जो सपोर्ट आता है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये रही सबसे पहले ड्राइवर सीट की बात। उसी के साथ में एक और चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर है आपके पास में जो कि स्टेयरिंग जो है उसको एडजस्ट करने के लिए। सो इसको आप यहाँ से लूज़ कर सकते हो और इसके टिल्ट को आप ऊपर नीचे जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहो वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ से सबसे बाद में सेकेंड रो की तरफ। सो सेकेंड रो में जो लंबे वाली जो सीट आपके पास में है, इसमें सबसे पहले ये जो पॉइंट दिख रही है आइसोफिक्स माउंट्स है यहाँ पे। सो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फॉरेन में रूल है कि आप अलग से पूरी की पूरी एक सीट लगाओगे जिसके ऊपर बैठाओगे। समझ रहे हो ना आप, ये सीट उनके लिए कंपैटिबल नहीं है। सो आइसोफिक्स माउंट्स होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी। बीच में सीट के अंदर आपको मिला यहाँ पर हैंडरेस्ट, जिसके ऊपर आप कप होल्डर है जिसमें आप आराम से चीज़ें रख सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर जो ये नॉब है इसको आप प्रेस करोगे और ये सीट फोल्ड हो जाएगी। सो इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हो। उसी तरह आपने जहाँ सीट रखी इसी को पकड़ के आप हल्का सा इसको जहाँ से, मतलब ओरिजिनल जो पोजिशन है वो ये है, और आप इसको रिक्लाइन करके पीछे भी कर सकते हो जहाँ भी आप चाहो। तो अब आप देख पा रहे हो ना कि थ्रू दिस बटन ये रिक्लाइन हो गई जितना मुझे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टॉपल करता हूँ, टॉपल मतलब हाफ टॉपल। तो ये मेरी इस तरीके से फोल्ड हो गई ऊपर की तरफ। इसमें एक हैंडरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है हेडरेस्ट, और बीच के अंदर जो है ये छोटा वाला जो कि आगे पीछे एडजस्टेबल नहीं होता, ये वाला इसमें हेडरेस्ट है। तो अब आते हैं यहाँ से हम पीछे वाली रो की तरफ। सो थर्ड रो जो है इसमें सबसे पहले आपको जो सीट मिलती है, अगर आपको फोल्ड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले लैच को खींच के इसको फोल्ड कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपको सेकंड फोल्ड करना है तो इस वाले लैच को पकड़ कर, रुको, ये यहाँ से हल्की सी पीछे हो रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सीट इसको ना हेडरेस्ट को पीछे कर लेता हूँ। तो अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इसको खींचोगे और इसको फोल्ड कर दोगे। तो यहाँ आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे बेड बनाना है तो हम इसको वापस पूरी तरह फोल्ड कर देते हैं। तो ये रही सेकंड रो की बात। कैसी लगी सर आपको ये गाड़ी? अच्छी। सो ये रही सेकंड रो की बात। अब अगर मैं गाड़ी में पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो सीट वाले, ये वाला जो है छोटे वाली जो सीट है इसमें ये वाला जो बटन, इसको प्रेस करूँगा और वन प्रेस के साथ ये टम्बल डाउन होके पीछे आ जाएगी। सो अगर मुझे सारे लोग बैठने हैं तो यहाँ से आप जा सकते हो। इस सीट को हमने वापस स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट करने के बाद अगर मुझे हेडरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कर दूंगा और हेडरेस्ट को फोल्ड करना है तो ये जो नॉब दिख रहा है इसको आप प्रेस करोगे और प्रेस करके और इसको वापस अंदर दे दोगे। तो अगर मुझको पीछे बैठा हुआ हूँ मैं और अगर मुझको आगे जाना है, एक मिनट, आगे की तरफ अगर मुझको जाना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो दिख रहा है ना बटन, इसको प्रेस करके और मैं आगे चला जाऊँगा। सो इसको प्रेस करा, टम्बल डाउन करी और मैं वापस आ गया। अगर मुझे इसको भी रिक्लाइन करना है, इस वाली सीट को अगर मुझे रिक्लाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस
इसको यहाँ से प्रेस करा मैंने, और उसके बाद में ये वाला जो नॉब इधर की तरफ वाला, इसको प्रेस करा और ये सीट मेरी पूरी तरह फोल्ड हो गई। तो आप देखो, अगर मैं इन दोनों सीटों को देखूं तो ये वाली मेरी और ज़्यादा रिक्लाइन हो रखी है इस जगह पर। सो ऐसी कुछ है सेकंड रो की सीट्स जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रंट को पैसेंजर की। तो अगर आप को पैसेंजर की बात करते हो तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सीट नहीं मिलती है। सबसे पहले यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हो इसको, और ये जो बटन दिख रहा है इससे आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो अगर मुझे आगे पीछे करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम टाइम ये वाला जो नॉब है इसको प्रेस करा और इसको जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक रिक्लाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से बीच में हेडरेस्ट जो है, ये वाला हेडरेस्ट है, इसके नीचे की तरफ एक बटन है, दिख रहे हो ये वाला, इसको आप प्रेस करके इसको खोल के यहाँ चीज़ें भी रख सकते हो, बंद कर सकते हो। सो XUV 700 की तरह स्कॉर्पियो पे एक एक करके हम सारे के सारे व्लॉग बनाते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, हम उसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा व्लॉग बनाएंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला किस चीज़ के ऊपर व्लॉग होना चाहिए। सेम टाइम नीचे की तरफ और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया पे हमारा लिंक है, तो आप सोशल मीडिया पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच।